आदाब नाजरीन, ENS की आवाज़ आपके रूबरू। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान बडाना। आज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज की चंद अहम खबरों से। पिपड रेस में प्रेस कॉलेज से नगर में महकमा अर्जियात और कानकनी के खिलाफ एहतजाज किया और हमारे नुमाइंदे इकबाल बशीर से बात करते हुए इंतजामिया पर जोर दिया कि वो जल्द अज जल्द हमारे मसाइल का हल करे। डिस्ट्रिक्ट बड़गाम बीजेपी प्रेसिडेंट समीर अहमद ने आज ENS से बात करते हुए सोबिक बड़गाम में कल के वागे बद्दू का इजहार करते हुए इंतजामिया से दरख्वास्त की कि वो कातिल को सख्त सख्त सजा दे। JKSSB के उम्मीदवारों ने प्रेस कॉलेज से नगर में एहतजाजी मुजाहरा किया और बताया कि कुछ सियासतदान LG इंतजामिया को बदनाम करना चाहते हैं। उन्होंने वक्त पर इम्तहानात का मुतालबा किया। सोबिक बड़गाम के कल के वाक़े के बारे में बात करते हुए कौमी जनरल सेक्रेटरी सोहेल अहमद मीर और आम आदमी पार्टी के जुगान डार ने दुख का इजहार किया और इंतजामिया से कातिल को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। प्रदेश कॉन्फ्रेंस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी समेत कांग्रेस के कई कारकुनों को हिरासत में लिया गया जब उन्होंने अंडानी मसले और जम्मू और कश्मीर इंतजामिया के उबना और मुखालिफ पार्टियों पर राजभवन तक मार्च निकालने की कोशिश की। अकाब ने बताया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पीर की सुबह मैंडर में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। खसूसी तहकीकती यूनिट ने पीर के रोज जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में मुबना तौर पर अस्कृत पसंदी के सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्जाम में एक शख्स का रिहायशी मकान जब्त किया। मकामी जराये के मुताबिक श्रीनगर का एक बुजुर्ग अपनी बहन से मिलने पुलवामा के करजल गांव गया था। जनूबी कश्मीर के पुलवामा गांव में बिजली का झटका लगने से मौत हो गई। सरकारी जराये ने बताया कि कौमी तहकीकती एजेंसी NIA की टीम ने पीर को गरमाए दार हुकूमत श्रीनगर में एक रिहायशी मकान पर छापा मारा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पीर के रोज कहा कि इसने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला के रक मोमिन इलाके में लश्कर तैयबा के अस्कृत पसंदों के ठिकाने का पर्दाफाश किया और असला और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। नाजरीन, ये था आज का उर्दू खबरनामा। इंशाल्लाह कल इसी वक्त पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।